एनसी हब इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल टाइप के रेडियस की बात कर रहे हैं। ये वो रेडियस है जो किसी भी टेंजेंशियल किसी भी एंगल के साथ टेंजेंशियली होती है। जैसे कि आप सिंपल रेडियस का प्रोग्राम तो आप बना लेते हो, जैसे कि अगर ये यहाँ से स्ट्रेट होता तो यहाँ पे तो आराम से कोई भी प्रोग्राम बना सकता है। जितनी रेडियस है उसका डबल डाल देंगे और यहाँ पे रेडियस के हिसाब से प्रोग्राम बना लेंगे। लेकिन कई केस ऐसा आ जाते हैं जहाँ पे कि रेडियस हमारी ज़्यादा की होती है और वो टेंजेंशियली होती है किसी एंगल के साथ। तो जैसे कि ये रेडियस है, ये 3 की रेडियस है और ये टेंजेंशियली है यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल के साथ। तो आइए समझते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और कैसे हम काम करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और सीएनसी में रेडियस के कंसेप्ट को ये आपके कंसेप्ट को ऑलमोस्ट क्लियर कर देगा। अब दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम नंबर देंगे O1111, उसके बाद N1, उसके बाद G28, U0.0, W0.0, उसके बाद G97, S300, M03, उसके बाद T0101, उसके बाद G0, Z.1 और X। दोस्तों, मैं इस वीडियो में खाली आपको फिनिशिंग का ही प्रोग्राम बना के समझाऊंगा क्योंकि अगर मैं रफ के प्रोग्राम भी बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपको मेन समझनी है वो आप नहीं समझ पाएंगे अगर मैं इसका रफ का भी प्रोग्राम बनाता हूँ। तो मैं फिनिश का प्रोग्राम बनाऊँगा। फिनिश का प्रोग्राम बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, कहाँ पर पोजीशन करवाऊँगा, मेरे को यहाँ पर सबसे पहले चैम्फर लगा के जाना है। इस कोने पर चैम्फर लगाऊँगा। तो ये मेरा जो डाया है ये कितने का है, 7.108 माइनस के 0.06। तो मैं इसकी पोजीशन करवाऊंगा यहाँ पे 7.048, 7.048 पे पोजीशन करवाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ से दोस्तों G1 Z.0.0 Feed.01 M08 और X 7.108 और Z माइनस के 0.03 और उसके बाद दोस्तों जेड माइनस के 11.438 और यहाँ पे जो G1 के साथ में जस्ट तो Z0 पे लेके आए तो इसके साथ में हम G42 भी यूज कर लेंगे टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन का। इसके लिए हमें बार बार यहाँ पे मैंने यहाँ पे 60 थाउ का चैम्फर लगाया है। इसके G42 डालने के बाद आपको यहाँ पे रेडियस को कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ को कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस केस में आपका जो ये लेंथ जाएगी दोस्तों 11.438। अब बी पॉइंट तक हम दोस्तों पहुंच चुके हैं। ए पॉइंट हमें मालूम था कि एक्स की वैल्यू हमारी ये थी, जेड की वैल्यू 0.0 थी। उसके बाद हमें बी पॉइंट का भी पता है, बी पॉइंट पर हमारी वैल्यू एक्स की 1.78 है और हमारी जो जेड की वैल्यू है ये 11.438 है। अब इसके बाद दोस्तों हमें जैसे ही रेडियस लगानी है, यहाँ से हमारी रेडियस ये रेडियस इस टाइप से लगेगी तो ये कौन सी में लगेगी, 0.2 में, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे आप देखेंगे कि ये क्लॉक की तरह घड़ी की तरह इस टाइप से मूव कर रही है तो ये क्या लगेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0.2। अब यहाँ पे ना तो हमें एक्स की वैल्यू पता है दोस्तों और ना ही हमें जेड की वैल्यू पता है, खाली हमें रेडियस पता है कि रेडियस हमारी 3.0 की है। फीड हम इसके साथ कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्स की और जेड की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे एक्स की और जेड की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको इस टाइप से आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है ऑटो कैड वगैरह की। अगर आपके पास ऑटो कैड नहीं है, ऑटो कैड में भी आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओगे कि ऑटो कैड में कैसे निकालते हैं तो मैं इसकी एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा कि ऑटो कैड में हम इस रेडियस के पॉइंट को सी पॉइंट को कैसे निकालते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। अब इस केस में आप देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका सी पॉइंट है, सी पॉइंट आपका कैसे निकालना है, आपको यहाँ पे एक सर्कल एज्यूम कर लेना है। आपने एक ऐसे सर्कल एज्यूम कर लिया जिसकी रेडियस कितनी है,
तीन की, क्योंकि इसकी रेडियस यहाँ पे तीन की मांग रखी है और ये 45 डिग्री के एंगल के साथ में है। उसके बाद आप सेंटर से दो लाइन लगानी है, आपने जो ब्लू कलर की देख रहे हैं आप, सेंटर से एक लाइन लगानी है जहाँ तक इसकी लेंथ है। ये टेंजेंसली है, यहाँ पे भी टेंजेंसली है इस लाइन के साथ में, और यहाँ पे ये इस लाइन के साथ में टेंजेंसली है। तो यहाँ से यहाँ पे सिर्फ हमें दो लाइनें लगानी है दोस्तों, एक ये लाइन एक ये लाइन। ये दोनों लाइन यहाँ से आपको पता है कि ये दोनों लाइन क्या है, इसकी रेडियस है। इस साइड भी ये अगर ई और बी को देखेंगे, ई और बी को देखेंगे तो ये भी हमारे तीन हैं, और ई और सी को देखेंगे तो ये भी हमारी तीन है, ये दोनों हमारे तीन हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ चाहिए, बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक की लेंथ चाहिए, तो हमारी क्या है, जेड की वैल्यू आ जाएगी। हमारी जो जेड की वैल्यू है दोस्तों, जेड की वैल्यू इजकल टू किसके इक्वल में है, बी सी के, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, और ये बी और एफ का सेम पॉइंट है तो ये किसके इक्वल है, हमारे सी और एफ के इक्वल में है, एफ सी के, एफ और सी के इक्वल में ये वाली है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से जब हमने ये दो लाइनें लगा ली, उसके बाद हमने एक इस टाइप से ये लाइन लगा देनी है, ये बड़े वाला एक ट्रायंगल बन गया, और इस वाली लाइन को बिल्कुल यहाँ से 90 डिग्री पे लगा देना है सिमेट्रिक, और ये एक इसके अंदर यहाँ पे एक बड़ी ट्रायंगल के अंदर जो सी बी ई बड़ी ट्रायंगल है, इसके अंदर में दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक तो सी एफ ई और एक सी एफ बी, दो ट्रायंगल बनेंगी। अब सिर्फ हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल पे काम करना है दोस्तों, वो ट्रायंगल है ऊपर वाली, जो ट्रायंगल है हमारी सी ई एंड एफ, या सी एफ ई कुछ मर्जी बोल सकते हैं आप इसको, सी एफ ई हमारी एक ट्रायंगल है, हमें सिर्फ इस पे काम करना है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर यहाँ पे एंगल ये टेंजेंशियली 45 के साथ में है, तो ये जो एफ जो इन दो लाइनों के बीच में ये एंगल बनेगा, ये भी 45 का बनेगा। ये पाइथागोरस की थ्योरम के अकॉर्डिंग है दोस्तों, कि यहाँ पे जो एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ बी 20 डिग्री का, यहाँ 20 डिग्री का बनेगा, यहाँ 5 डिग्री का, यहाँ 5 डिग्री का बनेगा। ये ऑलरेडी हम ऑटोकैड में निकाल के चेक कर चुके हैं, ये 100% प्रूव है, आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें 1% भी डाउट करें। अब दोस्तों अब इसके बाद हमें सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर क्या देखना है दोस्तों, कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है। अब हमारे पास क्या है दोस्तों, ई और सी, ई और सी जो है, ई और सी इस ट्रायंगल में दोस्तों, इस ट्रायंगल में सबसे पहले मैं क्या क्या मानता हूँ, सबसे पहले मानते हैं बेस, बेस होता है आधार, बेस होता है आधार। अब जो हमारा बेस है दोस्तों, बेस हमें उसी को लेके चलना है जिसमें एक साइड में 90 डिग्री एंगल हो और दूसरी साइड का एंगल हमें पता हो, जैसे 45 डिग्री का एंगल पता है। तो हमारा बेस यहाँ पे क्या है दोस्तों, ई और एफ, ई और एफ हमारा बेस है, ई और एफ हमारा बेस है। तो हमें क्या करना दोस्तों, इसमें सबसे पहले ई और एफ हमारा जो बेस है, इसकी वैल्यू का हमें नहीं पता है, ई और एफ निकालना है। दूसरा, उसके बाद परपेंडिकुलर, पी आर पी एन डी आई सी यू एल ए आर, दूसरी उसके बाद होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलते हैं जो लंब होता है दोस्तों, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। ये होता है जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, जो ये हमारा एफ सी है, एफ सी, एफ सी भी हमें क्या करना है, निकालना है इसमें से। और उसके सिवा तीसरा होता है हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं दोस्तों कर्ण। इसमें होता है कि जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा ई सी है, ये हमारा ई सी 3.0 दोस्तों। ये आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को रिवाइज कर करके देख सकते हैं। इस वीडियो को दो तीन बार देखिए
ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इस ट्रायंगल में साइन का फार्मूला लगाना है। साइन थीटा, थीटा की जगह पे हमारे पास क्या है 45 डिग्री। साइन थीटा किसके इक्वल में होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है हमारा लंब, लंब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे FC, ये होता है लंब FC डिवाइड बाय में कर्ण हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारा क्या है दोस्तों E और C, ये हमारा बेसिकली क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, ये होता है लंब अपोन में कर्ण, लंब अपोन में कर्ण। तो यहाँ से हमारे लंब अपोन में कर्ण इनमें से एक वैल्यू अपने को दी हुई है। अब अगर हम करें FC तो हमारे पास नहीं है, FC तो हमें निकालना है, डिवाइड बाई हमें दूसरी वैल्यू दी हुई है E और C की वैल्यू हमारी कितनी है 3.0। अब जो ये है ये जाके साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन के साथ में, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो ये कैसे आएगा, साइन 45 इंटू 3.0 इजिकल टू FC, ये FC के इक्वल होगा। तो अब हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, साइन 45 और इंटू में 3.0, तो ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2.121 इजिकल टू FC। FC की जो ये F और C की वैल्यू है दोस्तों, ये हमारी आ गई कितनी, आ गई 2.121। अब FC की हमारी वैल्यू किसकी थी, हमारी Z की वैल्यू आनी थी। अब Z की वैल्यू में क्या था दोस्तों, हमारा FC अकेला नहीं आएगा, FC प्लस में AB, क्योंकि ये पीछे कब तो जुड़ेगा ना, ये पीछे का यहाँ से लेके यहाँ तक कभी जुड़ेगा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कभी आएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2.121 प्लस 11.438। तो ये हमारी जेड की वैल्यू आएगी दोस्तों 2.121 प्लस के 2.121 प्लस 11.438, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ये माइनस में है, ये वैल्यू हमें माइनस में डालनी है 13.559 माइनस 13.559। एक वैल्यू दोस्तों हमारी यहाँ से आ चुकी है दोस्तों, ये बहुत आसान है और ये हम ऑलरेडी कंप्यूटर पे, हमने ऑटोकैड में भी वैल्यू ऐसे ही पहले मैन्युअली कैलकुलेट की थी, फिर हमने ऑटोकैड में भी इसको चेक किया है, तो ये वैल्यू हमारी यही आती है, ये 100% ओके है, ये मेथड बिल्कुल प्रूवन है, इस मेथड में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। अब हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। अब जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी दोस्तों, एक्स की वैल्यू हमें कैसे, कहाँ से कहाँ तक की चाहिए, एक्स की वैल्यू है हमारी F से लेके B तक की। अब हमारे पास E से लेके B तो है लेकिन F से लेके B नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हमारे पास E B इक्वल टू 3.0 है, और अगर मैं ये, मेरे को निकालना है FB निकालना है, तो मैं FB कैसे निकाल सकता हूँ, EB माइनस के EF से निकाल सकता हूँ EF, और EF जो हमारा है दोस्तों, EF हमारा क्या है यहाँ पे बेस, ये रहा हमारा बेस। तो हमारी एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी, उसके बाद दोस्तों हमने किसकी निकाल ली, FC की वैल्यू। FC क्या था हमारा, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में, सिर्फ एक ही ट्रायंगल लेके चलने हैं दोस्तों आपको, इसकी वैल्यू आ गई हमारे 2.121।
इन दोनों की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब सिर्फ हमें बेस की वैल्यू निकालनी है, बेस मीन आधार। अगर हम आधार की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि मैं इस फार्मूले में दिखाता हूँ आपको, जो ई बी है आपका, ई बी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3.0 है, और माइनस अगर मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ई एफ कितना है, तो मेरी ये वैल्यू बच जाएगी ऑटोमेटिक, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा कोस का, कोस 45 इजकल टू, कोस किसके इक्वल में होता है दोस्तों, आधार, आधार हमारा क्या है ई एफ, आधार अपॉन में कर्ण, कर्ण कितना है हमारा ई सी, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा ई एफ, हमें निकालना है नहीं पता है, और कर्ण की वैल्यू हमारी हमें पता ही है वो कितनी है 3.0, तो ये कैसे आएगा, उसके बाद कोस 45 इंटू 3.0 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इजिकल टू, ये हमारा आ जाएगा ई एफ। अब ई एफ की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, वही हम फार्मूला 45 इंटू में 3.0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2.121 इजकल टू ई एफ। तो ई एफ की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ से ये वैल्यू हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे 2.121। तो अगर मैं 3 माइनस के 2.121 करता हूँ, 3 माइनस 2.121, तो ये मेरी वैल्यू आ जाती है दोस्तों इक्वल टू 0.879। अब जो दोस्तों हमारी ये तो जेड की वैल्यू थी, अब हमें निकालनी थी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हमारी जो आनी थी दोस्तों, वो हमारी आएगी जो ये बी एफ है, एफ बी यहाँ से, एफ बी ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था हमें जो निकालना था, एफ बी इंटू में 2। इंटू में 2 क्यों किया, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक साइड का निकलेगा, यहाँ से इस ट्रायंगल से निकलेगा, जेड में तो हम एक ही साइड लेके चलते हैं, लेकिन जब भी हम चैम्फर या रेडियस लगाते हैं उसमें वैल्यू को हम डबल कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। तो ये हमारी वैल्यू आई है 0.879 इंटू 2। तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.758। और इसके सिवा ये तो थी हमारी सिर्फ जो हमने निकाली है दोस्तों, आपको ये ख्याल रखना है, इसके सिवा जितना डाया हमारा पहले जिस पे मशीन पहले खड़ी हुई थी वो भी प्लस में होगा, 7.108 प्लस में, क्योंकि ये भी तो हमें प्लस में करके चलना पड़ेगा, 7.108, और ये हमारा रहेगा प्लस में। अब जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी दोस्तों, 7.108 प्लस 7.108 प्लस दिस, ये आएगी हमारी 8.866। ये वैल्यू आएगी हमारी 8.866। तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे 8.866। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये वैल्यू बहुत जल्दी निकाल लोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना खुद कैलकुलेट करने में इन वैल्यूज़ को आपको टाइम नहीं लगेगा। अब उसके बाद दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, अब हमने ये लगा दिया, अब उसके बाद हमें जीवन में दोबारा से जीवन लगाएंगे, उसके बाद एक्स, अब हमें डी की हमारे पास वैल्यू है ही है 11.75,
11.75, और जेड की वैल्यू, जेड माइनस के, जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। जेड की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, वही सिंपल फार्मूला, बड़ा डाया माइनस के छोटा डाया। तो बड़ा डाया यहाँ पे क्या है, 11.75 माइनस छोटा डाया 8.866, और डिवाइड बाई 2, ये आ गया। और इसको डिवाइड बाई 10, जितने का हमारा एंगल है 45, तो वैल्यू रहेगी यही। और प्लस जहाँ तक हम जेड में पहले जा चुके हैं, ये वाली वैल्यू जुड़ जाएगी इसमें, 13.559। तो हमारी जो ये लास्ट की वैल्यू आएगी दोस्तों, ये हमारी आएगी 15.001। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगी दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ से मशीन को ऊपर ले लेंगे, G28 U0.0 W0.0 M09, उसके बाद M05, और उसके बाद M30। तो इस टाइप से दोस्तों हम इसका बड़ी आसानी से, बड़ी ईजिली तरीके से इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, और ये मेथड अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप किसी भी मशीन पे इस टाइप के रेडियस का प्रोग्राम आसानी से बना लेंगे, आसानी से इसका काम कर लेंगे। और आपने यहाँ पे G42 यूज किया था, आप G41 के साथ यहाँ पे G40 भी डाल सकते हैं कि जिसके साथ इसको कैंसिल कर सकें G40, ताकि ये टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन कैंसिल हो जाए। तो ये बेसिकली ये मेथड था दोस्तों, जिसके थ्रू हम रेडियस को आसान, टेंजेंशियली रेडियस का आसानी से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई है या कोई दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों इस वीडियो को पॉज करके 2-3 बार देखिए, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मैं जो आपको समझाने के लिए जितने एफर्ट कर रहा हूं वो एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो